अब देखो, जैसे देखो पहला इस चैप्टर को ये सबसे अच्छी खासियत है कि हम टफ से टफ प्रॉब्लम भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, ए ट्रेडर हैज 44 किलोग्राम ऑफ राइस, ए पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 14% प्रॉफिट एंड द रेस्ट एट 8% लॉस। ऑन द होल हिज लॉस इज 4%। व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड एट 14% प्रॉफिट एंड दैट एट 8% लॉस। ये आपको बताना है कि व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड एट 14% प्रॉफिट। 14% प्रॉफिट का उसने कितनी क्वांटिटी बेची ये कह रहा है वो, और 8% एंड दैट एट 8% लॉस, ये सारा कुछ पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे आप लिखो प्रॉफिट और यहाँ पे लिखो आप लॉस। तो टोटल क्वांटिटी 44 है हमें पता है। ए पार्ट ऑफ ही सेल्स एट 14% प्रॉफिट, यहाँ पे लिखा 14, और दूसरी को लॉस पे बेच रहा है तो यहाँ पे लिखा -8 क्योंकि लॉस है। तो ओवरऑल उसको लॉस ही हुआ है तो यहाँ पे लिख लिया 4, वो भी माइनस का। तो आपको चीपर भी पता लग गया और डियरर भी पता लग गया और मीन प्राइस भी पता लग गया। अब जो है घटा के लिखो इसको, जैसे 14 में से 4 घटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14 और 4 18, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे -4 में से -8 घटाएंगे तो ये प्लस का 8 बचने, प्लस का यहाँ पे 4 बचेगा। तो एक आ गया आपके पास 4 और एक आ गया 18। और अगर मैं इसका रेशियो निकाल लूँ 4 और 18 का, तो आपके पास में रेशियो आ जाएगा 2:9। 2:9 आपका रेशियो आ जाएगा। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल क्वांटिटी आपको दी हुई है 44 kg। तो देखो एक का रेशियो है आपका 2x, एक का रेशियो आ गया 9x, तो टोटल क्वांटिटी होगी आपकी 11x। 11x बराबर हो गया 44, x बराबर हो जाएगा 4। यहाँ से x आ गया मतलब एक क्वांटिटी आपकी 8 हो जाएगी, एक क्वांटिटी आपकी 36 हो जाएगी। आपको क्वेश्चन पूर्व में पूछ क्या रहा था कि 8% एट दैट 8% लॉस, वो क्वांटिटी बताओ जो 8% लॉस पे बेची गई है। तो लॉस वाला देखो ये इधर वाला पार्ट है, राइट वाला, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 36। तो देखो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन भी हमने एलिगेशन मिक्सचर से कितनी जल्दी कर लिया, इस तरह से ये क्वेश्चन हम करते हैं। तो बताओ पहला क्वेश्चन लगा समझ में? जसप्रीत कह रही है नो सर, ओंकार ने कहा है। हाँ जी कोई नहीं, इसको फिर हम दोबारा कर लेते हैं, जो नहीं समझ लगा तो कोई बात नहीं। सबसे पहले जो क्वांटिटी एक प्रॉफिट में हुई है उसको इधर लिख लिया, लॉस वाली को माइनस करके यहाँ लिख दिया, उसके बाद जो टोटल लॉस हुआ है वो आपने यहाँ लिख दिया। उसके बाद में एक मिनट, तो इतना जो क्वेश्चन में दिया था वो हमने लिख लिया। उसके बाद में ये आप इसको माइनस करते हैं, तो डियरर में से आप मीन को माइनस करो, 14 - 4 करोगे तो 18 हो जाएगा। और यहाँ पे जब -4 में से -8 ऐड करोगे तो ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे इनका रेशियो आ जाएगा आपका 2:9। तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, ये 2 और ये 9, तो 11 हो गई टोटल क्वांटिटी। और टोटल क्वांटिटी दी हुई है 44, तो 11x इक्वल टू हो गया 44। एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4, ये वैल्यू आप उठा के यहाँ पे रख दो, तो
फोर की वैल्यू जब यहाँ पे रखोगे तो ये आपका 8 आ जाएगा, और फोर की वैल्यू जब यहाँ पे रखोगे तो ये आपका 36 आ जाएगा। ये आपका लॉस क्वांटिटी है, वो आपसे लॉस क्वांटिटी यहाँ पे पूछ रहा है, 8% लॉस का क्वांटिटी कितनी है, तो 36 आंसर आ गया। लगा समझ में कुछ? अब ये दूसरा क्वेश्चन करो। इसका कल आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला होता है, टोटल क्वांटिटी 80 दी हुई है और वो जो है इसमें से 8 लीटर निकालता है, और ये प्रोसेस तीन दो बार पहले, एक बार पहले हुआ, दो बार रिपीट हुआ, तो टोटल 3 हो गए। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। वन इज टू टू तो हो गया टोटल 3, 2:3 तो हो गया टोटल 5, 5:2 तो हो गया 13। फिर हमने एलसीएम निकाल लिया, आ गया 195। फिर 3 से 195 को डिवाइड किया तो 65 आपका डिवाइड जाएगा, उस 65 को इससे 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में वैल्यू आ गई 65। उसके बाद में 5 को 195 से डिवाइड किया तो 39 टाइम्स भाग जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 78 हो गया। फिर 13 को टोटल रेशियो से 195 को डिवाइड किया तो आपका डिवाइड गया 15 टाइम्स, और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 75। ये आपका चीपर, ये डियरर और ये मीन प्राइस घटा के रेशियो निकाल लिया, आंसर आ गया 3:10। लगा समझ में? ये नहीं लगा हो ना तो एक बार फिर से करोगे ना तो आ जाएगा, ये थोड़ा मुश्किल होते हैं इसी तरह के। अब देखो, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था रेशियो प्रोपोर्शन में, कि ए और बी की, ए जो है वो मान लो 3:5 है, फिर उसके बाद हमने ऐसे लिख लेते थे 3x/5x, उसके बाद लिखते थे कि आफ्टर 10 ईयर देयर एज रेशियो विल बिकम 5/7। तो आपको याद होगा कुछ इस तरह का हम क्वेश्चन करते थे, या हमने एक शराब वाला क्वेश्चन किया था, रेशियो ऑफ द एल्कोहल एंड वाटर इज 3x/5x, एंड आफ्टर दैट 10 लीटर वाटर एड इन टू दैम एंड द रेशियो विल बिकम 5/7। तो इस तरह का हमने क्वेश्चन किया था। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि हम कुछ ऐड कर रहे थे, और जो भी ऐड कर रहे थे वो पार्टिकुलर चीज ऐड कर रहे थे, जैसे एल्कोहल ऐड किया तो ऊपर जोड़ते हैं क्योंकि वो एल्कोहल ऊपर लिखा है, वाटर जोड़ना है तो नीचे लिखते हैं, वाटर नीचे लिखा है। लेकिन जो अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो थोड़ा डिफरेंट है, ये है क्वेश्चन ऐसा ही लेकिन इसको करने का तरीका एकदम डिफरेंट होगा, तो वो देखते हैं कैसे। ए जार कंटेंड ए मिक्सचर, और उसमें मिक्सचर में दिया हुआ है कि ए और बी जो रेशियो दिया हुआ है 4:1 के रेशियो में दिया हुआ है। उसके बाद में आपसे कह रहा है कि व्हेन 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर वाज टेकन आउट एंड 10 लीटर ऑफ द लिक्विड बी वाज पोर्ड इन द जार, दिस रेशियो विल बिकम 2:3। तो आपको ऐसा दिया हुआ है। उसके बाद में कह रहा है द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी कंटेन इन द जार, तो क्वांटिटी बी आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो देखो कैसे करना है, शुरुआत में आपको रेशियो दिया हुआ है, जार कंटेन्ड ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी इन द रेशियो 4:1। तो एक एक चीज हो गई आपकी 4x, और दूसरा हो गया आपका एक्स। देखो ये रेशियो दिया है ना 4:1, तो ये जो है एक को आप 4x मान लोगे, एक को एक्स, क्योंकि जब भी रेशियो से तोड़ते हैं तो वो जो है आपका कोई ना कोई आपका वेरिएबल उसके साथ जुड़ता है, तो ये हो गया 4x और दूसरा हो गया आपका एक्स। फिर कह रहा है व्हेन 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर वाज टेकन आउट, ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, पूरा का पूरा मिक्सचर निकाला जाता है। तो देखो पहले का रेशियो कितना है, 4,
तो अगर मैं कहूं कि भाई किसी चीज का रेशियो 4:1 है, तो पहला कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 4/5। दूसरा कितना होगा? कि 1/5। तो जो ऊपर 4x लिखा है उसमें से हम जो जो है उसका उसमें उसके पार्टिकल कितने हैं? 4/5। उसमें से हम 10 लीटर निकाल लेते हैं। उसके बाद कह रहा है एंड 10 लीटर ऑफ लिक्विड बी वाज पोर्ड इन द जार, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसमें उसका पार्ट है 1/5। उसमें 1/5 जो है, पहले तो हम इसमें से 10 लीटर निकालेंगे, क्योंकि मिक्सचर निकाल रहे हैं, तो 10 लीटर जो है ऊपर से भी निकलेगा और 10 लीटर नीचे से भी निकलेगा। तो ऊपर वाले से कितना निकलेगा? 4/5, जो उसके मॉलिक्यूल है वो हमने लगाया रेशियो प्रोपोर्शन का कंसेप्ट। वहां से मॉलिक्यूल आए, फिर दूसरे के मॉलिक्यूल आए 1/5, तो यहाँ से पहले तो निकाल लिया 10 10। उसके बाद कह रहा है कि 10 लीटर इसमें ऐड भी किया है नीचे वाले में, तो अब रेशियो 2/3 हो जाता है। तो देखो इस तरह से ये क्वेश्चन करने होते हैं। कल मैंने जो बताया था कि जब भी पूरा मिक्सचर निकालते हैं तो मिक्सचर के पहले पार्टिकुलर मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, और मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद में ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ये इसी की मैं बात कर रहा था, ये आता है पेपर में इस तरह का क्वेश्चन। फिर ये लोगों को ये चीज समझ नहीं आती कि कैसे करना है, तो फिर वो गलती कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 4x-8/(x-2+10=2/3), तो ये आपका आ जाएगा 4x-8/(x-8)/2/3। और आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितना आ रहा है इसका आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, एक्स की वैल्यू 4 आ रही है, वेरी गुड। तो यहाँ पे मेरे से यहाँ प्लस आएगा, यहाँ गलती हो गई। तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आ गई 4। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स की वैल्यू 4 आ गई, तो वो आपसे पूछ रहा था शुरुआत में बी का कितना मात्रा था, तो बी का ही आपको निकालना है। मतलब एक्स की वैल्यू देखो, जो कंपाउंड दिए थे आपके 4:1 के रेशियो में, इसका मतलब ए जो है 4x और बी आपका एक्स है, तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट 4 आ गई, ये आपका 4×16 हो गया। तो आपसे बी पूछ रहा है, ए पार्ट नहीं टिक करना, मतलब सी पार्ट नहीं टिक करना, 16 आंसर नहीं आएगा, आंसर ए पार्ट ही आएगा, 4 लीटर। ओके, तो देखो एक बार मैं जो इस बाकी तो आप कर ही लोगे, इसमें कुछ है नहीं। एक बार जो है ये चीज को मैं आपको फिर दो क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कल भी मैं इसी पे जोर दे रहा था, और मैं क्योंकि ये आपको आएगा बार बार इसी तरह का प्रॉब्लम, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, और ये आता है पेपर में इस टाइप का। हमेशा याद रखो, जब भी पेपर टिपिकल कर बनाना हो तो पेपर में वही आएगा जो टफ होता है, क्योंकि उसको पता है एग्जामिनर को बच्चे ने ये कर ही नहीं पाना, इस वजह से। तो ए की क्वांटिटी हो गई 4x, बी की क्वांटिटी हो गई एक्स। तो हमने पहले तो इसमें मॉलिक्यूल निकाले कि ए के मॉलिक्यूल कितने होंगे, तो ए को ऊपर रखा, दोनों को जोड़ के नीचे लिख दिया 4+1 5। फिर बी को ऊपर लिखा 1, और नीचे दोनों को जोड़ के लिख दिया 1/5। तो इसमें ऊपर वाले में मॉलिक्यूल कितने हैं? 4/5, और नीचे वाले में मॉलिक्यूल कितने? 1/5। इसका हम जो है 10 10 लीटर निकाल लेते हैं, तो 4x में से ये घटा दिया, x में से ये घटा दिया। उसके बाद इसमें 10 लीटर बी पर ऐड किया है, तो हमने फिर बी में नीचे जाके 10 जोड़ दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। अब बताओ थोड़ा बहुत क्लियर होगा कि नहीं, फिर अगले पे चलते हैं। ओके ओके, ये नहीं क्लियर हुआ तो एक बार फिर से कर लेना, क्लियर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले आप मुझे करके बताओ। इसमें डायरेक्ट कंसेप्ट लगा दो एलिगेशन मिक्सचर का, और कुछ भी नहीं है, जल्दी से मुझे करके इसका आंसर बताओ। दिया हुआ है आपको 15,
एक दिया हुआ है 40, ये मी है 20, यहाँ पे आ जाएगा 20, ये घटा के आ जाएगा 5 और रेशियो आ जाएगा 4:1। तो ये आपका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। अब ये कर लिया तो अब आप जो है 6 भी ट्राई करो, इसको भी मैं चाहूंगा आप खुद से ही ट्राई करें, जो नहीं हो तो मैं फिर आपको बताऊंगा। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है, एक वेसल है उसमें 80 लीटर जो है दूध है, इट फिल्ड विद मिल्क एंड वाटर, मतलब दूध और वाटर का मिक्सचर है 80 लीटर, उसमें 60% जो है 60% ऑफ मिल्क एंड 40% ऑफ वाटर आर टेकन आउट फ्रॉम द वेसल। आपको कह रहा है कि उसमें जो है मिल्क एंड 60% ऑफ मिल्क एंड 40% ऑफ वाटर आर टेकन आउट फ्रॉम द वेसल। तो चलो इसको करते देख, टोटल क्वांटिटी कितनी है 80 लीटर, 80 लीटर में जो आपका मिल्क है और वाटर है, टोटल 80 लीटर है आपकी क्वांटिटी, 60% ऑफ मिल्क 40% ऑफ वाटर टेकन आउट। तो अगर 80 लीटर में से अगर आप 60 लीटर अपना निकाल लेते हैं, या डायरेक्टली क्वेश्चन को करते हैं 60% मिल्क और 40% वाटर आउट ऑफ द वेसल, इट इज फाउंड दैट वेसल इज एम्प्टी बाई 55%। तो वेसल कितना एम्प्टी हो गया, 55, ये आपका मीन प्राइस आ गया। तो इसको सबट्रैक्ट करके आप जो है इसका रेशियो निकालो, तो आपको पता लगेगा दूध का रेशियो 3 है और पानी का रेशियो 1 है। तो दूध उसमें कितना होगा 3/4, पानी उसमें कितना होगा 1/4, टोटल क्वांटिटी कितनी है 80 लीटर। इससे आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका दूध आ जाएगा 60 लीटर और पानी आ जाएगा आपका 20 लीटर। तो आपका आंसर 60 और 20, डी पार्ट आपका इसका आंसर है। बोलो लगा समझ में? जी ओके, ओमकार को भी लग गया, रिश्ता को भी लग गया। ओके जसप्रीत को थर्ड स्टेप समझ नहीं है। देखो फर्स्ट स्टेप है, हमने दूध का लिख लिया 60%, मिल्क वाटर का लिख लिया 40, मीन लिख लिया 55। उसके बाद 60 में से 55 घटा के यहाँ लिख दिया 5, और 40 में से 55 घटा के 15 यहाँ लिख दिया, इन दोनों का रेशियो निकाल लिया, आ गया 3:1। उसके बाद में मिल्क कितना होगा, 3 को ऊपर लिखा, दोनों को जोड़ के 3+1 नीचे लिख दिया 4, ऐसे यहाँ पे 1 लिखकर दोनों को जोड़ के लिख दिया 4, टोटल से 80 से मल्टीप्लाई कर दिया आंसर आ गया। ये रेशियो प्रोपोर्शन का कंसेप्ट था। इसमें कोई था थोड़े, चलो ये कर लिया तो अब जो है आप जो है क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देख ये क्वेश्चन, ये एक तो इसको पहले आप जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन तो आना ही आना है पेपर में। उसके बाद में अब इसको समझो कि करना कैसे, एक मिक्सचर है उसमें 40 लीटर मिक्सचर है, उसमें दूध भी है और पानी भी है। तो उसमें कह रहा है कि दूध जो है आपका, पानी दिया हुआ है कि वाटर उसमें 10% है, अगर वाटर 10% है तो दूध कितना हो जाएगा उसमें 90%। जल्दी से आप जो है 90% निकाल लो 40 का तो आपको दूध पता लग जाएगा, और 10% निकाल लो 40 का तो आपको पता लग जाएगा कि पानी कितना है। तो आपको पता लग गया कि उसमें 36 लीटर दूध है और 4 लीटर उसमें पानी है, ये पता लग गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक 40% ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर। क्या कह रहा है आपको कि दूध भैया आपके पास में 36 है, पानी आपके पास 4 लीटर है, मतलब उनका रेशियो आप कह सकते हैं कि 9/1 आपका 18/2 आ जाएगा, मतलब 9/1 आ जाएगा उस रेशियो में। अब कह रहा है कि 36 लीटर दूध और 4 लीटर पानी में हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, मान लो वाटर एक्स ऐड किया जा रहा है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक 40% वाटर इन द न्यू मिक्सचर। उसमें देखो नीचे ऊपर मिल्क है, नीचे पानी है, अब पानी कह रहा है 40% हो जाएगा, 40% पानी हो जाएगा तो दूध कितना हो जाएगा, दूध हो जाएगा आपका 60%। इसको आप सॉल्व कर लोगे आपका देखो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कितना पानी उसमें ऐड करना है।
इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो बताओ आपका किसी का आया फिर आंसर सी पार्ट? देखो ये हर बार ये क्वेश्चन मैंने अब तक कम से कम इसको 20-30 पेपरों में देखा है। आप कोई भी एग्जाम देना, इस टाइप का क्वेश्चन आना ही आना, ये बात पक्की है। क्योंकि लोग ना यहाँ तक तो कर लेते हैं 36/4+x तक, लेकिन उनसे ये 60/14 नहीं बनता है। यहाँ पे उनको प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर अब जो है आप 8 करो, 8 क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 किलो लीटर जो दूध है, 5 किलो लीटर जो दूध है वो है आपका 600 किलो, 600 रुपए किलो लीटर, मतलब दूध हो गया आपका 3000 रुपए, 3000 रुपए का। उसके बाद जो 6 किलो लीटर दूध है वो है आपका 540 के हिसाब से, तो इसको भी आप जो है मल्टीप्लाई कर लो, ये आपके हो गए 3240 रुपये। और फिर इन्हें टोटल रुपए निकाल लो, तो आपके टोटल रुपया हो गया 6240। और अगर एवरेज निकालोगे तो आ जाएगा 6240, टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 5+6=11, तो ये आ गया, मतलब आ गया 6240/11। उसके बाद में कह रहा है हाउ मैनी किलोलीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू मेक द एवरेज वैल्यू। एवरेज आपको दिया है 480, आपको पता है कि ये आपका हो गया डीलर प्राइस, और चीपर प्राइस आप पानी जो मिला रहे हैं उसको आप 0 मान लो, और मीन आपका दिया है 480। तो आप इसको सॉल्व कर लो और आंसर निकाल लो। पहले मीन में से वो चीपर वाला घटा के इधर लिख लो 480, और 480 में से ये घटा के यहाँ भी ये भी निकाल लो, एलसीएम ले लो, रेशियो आ जाएगा फिर। ग्यारह की ट्रिक आपको पता है, लेफ्ट वाला डी लेफ्ट में, राइट वाला राइट में। उल्टा घटा दिया, वो बड़े में से छोटा वाला घटना था, माइनस आएगा तो आप समझ जाओ कि उल्टा लिखना। उसके बाद में आप जो है इनका रेशियो ले लोगे तो ये कट जाएगा, तो मतलब 11:2 आ जाएंगे। तो ये आपसे पूछ रहा था कितना पानी मिलाया जाए। देखो ये इधर का रेशियो वाटर का, मिल्क का है, इधर का रेशियो वाटर का है, तो आपका आंसर 2 आ गया। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा टिपिकल सा था, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी। सबसे पहले 5 किलो लीटर का 600 के हिसाब से प्राइस निकाला, फिर 6 वाले का निकाला, टोटल जोड़ा, उनका एवरेज निकाला,
पानी का प्राइस 0 मान लिया, मीन वो कह रहा था 480 हो जाना चाहिए, फिर उसको सॉल्व किया, फिर इसमें कुछ था नहीं, वाटर कितना होना चाहिए, तो वो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, 9 करो ट्राई, ये भी कुछ भी नहीं है इसमें। मैं एक बार आपको लिंक जो है फिर से कट करके फिर से भेजता हूँ।